यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज। तो दोस्तों आज हम बताएंगे राजस्थान पुलिस से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों बने रहिए हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ। दोस्तों आप राजस्थान पुलिस का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे नोटिफिकेशन का। दोस्तों तो आज हम बताना चाहेंगे नोटिफिकेशन संबंधित बहुत बड़ा अपडेट। दोस्तों तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बात करते हैं यहाँ पर प्रेस रिलेशन की। तो देखो यहाँ पर प्रेस रिलेशन है, हम राजस्थान पुलिस की साइट पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखो राजस्थान पुलिस ने अभी 2-4 दिन में एक ट्वीट करके अपने अकाउंट से ये कहा है कि राजस्थान पुलिस की एक मीटिंग होने वाली है भर्ती 2019 को लेकर। तो दोस्तों उस वो मीटिंग होने वाली है लगभग यहाँ पर 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को फिक्स की गई है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं राजस्थान पुलिस भर्ती को लेकर राजस्थान पुलिस को कि राजस्थान पुलिस की भर्ती जल्दी से कि राजस्थान पुलिस की भर्ती बहुत जल्दी प्रक्रिया चालू कर दी जाए। तो यहाँ पर राजस्थान पुलिस भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हम बताएंगे कि 2 तारीख या 3 तारीख को यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में नोटिफिकेशन से संबंधित क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 2 या 3 तारीख या 1 दिसंबर को यहाँ पर राजस्थान पुलिस की एक मीटिंग होने वाली है जो कि जयपुर महानिदेशक मुख्यालय पर होगी दोस्तों। यहाँ पर जीडीपी द्वारा तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान पुलिस की साइट पर आप जाके विजिट कर रहे होंगे तो स्टार्टिंग ऑर्डर्स ऑफ द 2018 ही डला हुआ है दोस्तों, यहीं पर ही डलेगा जो नोटिफिकेशन। अब मैं आपको बता दूँ नोटिफिकेशन कब आने वाला है दोस्तों। नोटिफिकेशन की जो डेट है वो 5 तारीख या 6 तारीख से पहले ही नोटिफिकेशन या इसके बाद 1 या 2 दिन में ही नोटिफिकेशन डल जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप बता रहे हो कि आचार संहिता लगने वाली है। कुछ नहीं, आचार संहिता और राजस्थान पुलिस का संबंध कुछ नहीं है, क्योंकि राजस्थान पुलिस ने पहले से एक नोटिफिकेशन निकाला है भर्ती 2019 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस के बारे में भी उसमें बताया गया है कि 2 बार सिलेबस चेंज हो चुका है, उसमें भाग 4 कर दिए गए और प्रत्येक भाग में पास होना अति अनिवार्य है दोस्तों यहाँ पर। और बात करते हैं इसके साथ ही राजस्थान पुलिस मित्र की। तो राजस्थान पुलिस के मित्र के अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो उसके SMS के जरिए आपको सूचना भी दी जा रही है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस मित्रों को बुलाया जा रहा है और उनको 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान पुलिस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यही है हमारे पास दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान पुलिस से संबंधित यही सूचना मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि नोटिफिकेशन से संबंधित राजस्थान पुलिस का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों बहुत ही जल्दी आने वाला है, क्योंकि अब वैकेंसियों की बात करते हैं तो वैकेंसी कितनी आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर 8600 वैकेंसियों की बात हुई थी जब राजस्थान पुलिस महानिदेशक जब कोटा आए थे तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ये मैसेज भेजा था कि राजस्थान पुलिस में 8600 वैकेंसियों पर भर्ती प्रक्रिया की जाएगी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सभी जिलों से पूरे डेटा इकट्ठे कर लिए गए कितने खाली पद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 9000 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, लगभग 12 या 13 पद खाली पड़े हुए, लेकिन वित्त विभाग ने कुछ ही पदों के लिए मंजूरी दी है और 8600 के समथिंग पदों के लिए मंजूरी दी है, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार कुछ पदों में और बढ़ोतरी कर सकती है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान पुलिस से जुड़ी यही सूचना है हमारे पास, बने रहिए और भी अपडेट हम लाते रहेंगे आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ऑनलाइन स्टडी न्यूज देखते रहिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।